स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये देखो मेरा वाला नींबू सबसे बड़ा है, तो फिर क्या फायदा, सब लोग अपने अपने नींबू दिखाओ। एक मिनट, इतनी सी चम्मच है मेरी। चलो अब फाइनली स्टार्ट करें। प्रवीण भाई, आप बेबी बहन को भी समझाइए ना प्लीज। करने दो जो करते हैं। कट्टू तू शांत हो जा। नहीं मैं शांत नहीं होने वाला। कट्टू अब बस बेटा बस। मीनाक्षी भाभी से पानी दीजिए। ठंडा या सादा? सादा। क्यों सादा? गट्टू भाई जरा सा ठंडा पानी पी लेते हैं तो जुकाम हो जाता है उन्हें। हाँ पक्ष। गट्टू भाई आप सादा पानी ही पीजिए। नहीं मुझको सादा पानी नहीं पीने का। अरे तो इसे ठंडा पानी दो। नहीं मुझको ठंडा पानी भी नहीं पीने का है। तो क्या चाहिए तुझे गट्टू? मुझको उल्लू बन के नहीं, अपनी मेहनत से पैसे कमाने के, और वो मैं करके दिखाऊंगा, देख लेना सब लोग। अब तुझे क्या हुआ मीनाक्षी, क्यों रो रही है? दांत का दर्द बा? डेंटिस्ट के पास जाओ, तुझे मेरी कसम, जाओ डॉक्टर के पास जाओ। मीनाक्षी जा डॉक्टर के पास जा। जो आ क्या बा? और सुन मुंह धोकर जाना। लेकिन दर्द तो दांत में है। मीनाक्षी मुंह धोके जाऊंगी बा। एक से एक नमूने घर में हैं। मैं नमूना नहीं हूं। गट्टू बा। ओहो इसका फिर से शुरू हो गया। ये भाभी ना ये ककड़ी कड़वी है, बा को जरूर देना। सैंडविच तो कोल्ड सैंडविच हो गया होगा। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो खुरजाई डोंट वरी, भगवान जी की मर्जी है कि हम वो टोस्ट सैंडविच खाए, ना अब तक तो पकड़े गए होते ना। ना तो चलता है परजाई। कुछ नहीं होगा, हिम्मत है मर्दा, सैंडविच खाए बंदा। गट्टू 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 एक बात तो सुन, तू मेरे लिए इन 30,000 रुपयों से भी गिफ्ट लाएगा तो वो मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट ही होगा। हाँ तेरे लिए तो होगा ही। अरे मुफ्त में 30,000 का डायमंड सेट मिल रहा है तो तुझे तो वो गिफ्ट बेस्ट लगेगा ही है? इतना भी बेस्ट नहीं होगा, ये कोई कोहिनूर हीरा लाके नहीं देने वाला है। मतलब मेरा गिफ्ट बेस्ट गिफ्ट नहीं होगा ना? नहीं नहीं गट्टू, गट्टू तेरा गिफ्ट ही बेस्ट होगा। ये तो मैं प्रवीण भाई को कह रही थी। अरे 30,000 में इतने बड़े बड़े नहीं, इतने छोटे छोटे हीरे आएंगे। अरे दिखाई भी नहीं देंगे, लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि ये क्या पहना है। अच्छा मतलब मेरा गिफ्ट बेकार गिफ्ट हुआ ना? नहीं गट्टू तेरा गिफ्ट तो बेस्ट ही होगा। बेबी तू दोनों तरफ से ढोलकी बजाना बंद कर। गट्टू रोना बंद कर। हाँ हम तेरे लिए कोई ऐसा रास्ता ढूंढ निकालेंगे जिसमें सचमुच तेरी मेहनत की कमाई हो।
वाह, मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। वाह, ये 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 देखिए वाह। यार आज बहुत पेट लगे मेरा, ये 30,000 भी मेरी मेहनत के नहीं निकले, और मोटा भाई फ्रूट में नींबू लेके आए, और सब लोग मुझे कंजूस कहते हैं। तू चुप कर प्रवीण, नींबू भी फ्रूट ही होता है गट्टू। लेकिन नींबू को काट के खा नहीं सकते ना ऐसे ऐसे। मैं इसे खाने के लिए नहीं, खेलने के लिए लाया हूँ। ओह मोटा भाई, बच्चों के खेलने के लिए मैं बैट बॉल लाता हूँ, कैरम लाता हूँ, बैडमिंटन का सामान लाता हूँ, और बा आपका बड़ा बेटा क्या लेकर आया? नींबू। अरविंद, खेलने के लिए मतलब? बा, हमारे लोहाना समाज की तरफ से बच्चों के लिए स्पोर्ट्स डे रखा गया है, तो मैंने ट्रस्टी से कहा कि स्पोर्ट्स डे में अगर हमारा गट्टू भी हिस्सा ले पाए तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गट्टू मोस्ट वेलकम है, गट्टू के आने से स्पोर्ट्स डे में जान आ जाएगी। तो गट्टू तू फटाफट प्रैक्टिस शुरू कर दे, देख नींबू चम्मच, दौड़ने की रेस, गोनी रेस, बहुत सारी रेसेस हैं। लेकिन ये तो खेलना हुआ ना, काम काम। मोटा भाई मुझको काम चाहिए, मुझको अपनी मेहनत से गिफ्ट देना है। हाँ तो गट्टू तू इसमें मेहनत करके प्राइज जीतकर बेबी को गिफ्ट देना। तुझे पता है फर्स्ट प्राइज है 50 इंच का प्लाज्मा टीवी, सेकंड प्राइज डायमंड सेट, और चलेगा मुझको सेकंड प्राइज चलेगा। बेबी मैं तुझको डायमंड सेट ही देना चाहता हूँ ना। अच्छा डायमंड बड़े बड़े? वो तो हाँ हाँ बड़े बड़े डायमंड्स ही है। हाँ चलेगा, और ये मेरी मेहनत का प्राइस होगा ना। हाँ बेटा, तू हिस्सा लेगा तो तेरी मेहनत ही हुई ना। हाँ मस्त आइडिया है, इट मींस कि अभी मैं बेबी को अपनी मेहनत से गिफ्ट दूंगा, मैं जीत के दिखाऊंगा स्पोर्ट्स डे में, मैं सेकंड नंबर पे आकर रहूंगा। क्या रॉन्ग है? बेबी ने 1 2 3 स्टार्ट नहीं बोला, बेबी ने रेडी स्टडी गो ऐसा बोला। अरे गट्टू काका, अगर वहाँ रेफरी रेडी स्टडी गो बोलेगा तो वहाँ भी आप ऐसे ही रेस रुकवा देंगे। हाँ, क्योंकि कोई भी गेम के स्टार्टिंग में 1 2 3 स्टार्ट ऐसा बोलने का होता है तो ही गेम स्टार्ट होती है। अरे वो जो भी हो, लेकिन तू बीच में गेम क्यों छोड़ता है गट्टू? बेबी 1 2 3 स्टार्ट बोलना। बाप मैं यहाँ बोल दूंगी, पर मिताली सही कह रही है, अगर वहाँ रेफरी रेडी स्टेडी गो बोलेगा तो ये तो सच में रुक जाएगा। तो अभी के अभी वो फ्रस्टी को फोन करके बोल दो कि रेफरी को बोल दे कि उधर 1 2 3 स्टार्ट बोलने का। गट्टू ऐसे फ्रस्टी को फोन नहीं करते। अच्छा चलो अब इसका नया ड्रामा शुरू। गट्टू काका प्लीज आप हमारे साथ प्रैक्टिस करने को चलिए ना। जीत चुके ये तो, चुप रहे। गट्टू काका आप ऐसा करेंगे तो आप कैसे जीतेंगे? हाँ चलिए, आपको बेबी फे के लिए गिफ्ट लेनी है ना। हाँ। चलिए ना, आप रेडी स्टडी गो को 1 2 3 से समझिए ना। अरे गट्टू काका हम रूल्स नहीं बदल सकते, अभी चलिए खेले ना प्लीज। चलो चलो चलो, किधर गई मेरी चम्मच? बेटा ये देखना रेफरी का काम है। देखो बाप, मैं चैताली जरा इधर ये देखो, देखो बाप मैं बड़ा हूँ, चैताली छोटी है, तो इनकेश चैताली ऐसे सुमड़ी में आगे निकल गई और रेफरी को नहीं दिखाई दी, तो ऐसे कैसे दिखाई नहीं देगी, तो अपना काम करना। चलो तो फिर से स्टार्ट करते। गट्टू क्या हमेशा फिर से स्टार्ट? फिर अच्छा चलो फिर से स्टार्ट करते। एक मिनट, एक गट्टू तू उधर जा, सौमिल सिमरन तुम लोग एक्सचेंज कर लो, इधर आ जा। ओके एक मिनट,
मंसूरलाल तू उधर जा, मुझको इधर सेंट्रल में रहने का है। रेडी स्टेडी गो। ये देखो मेरा वाला नींबू सबसे बड़ा है, तो फिर क्या फायदा, सब लोग अपने अपने नींबू दिखाओ। एक मिनट, टाइम प्लीज, एक मिनट, ये इतनी सी समझ है मेरी। चलो अब फाइनली स्टार्ट करें। गट्टो, तुझे जो चम्मच चाहिए था वो मिल गया। नींबू बराबर है और जगह जो तुझे चाहिए थी वो ठीक है ना? सेंट्रल में, बॉम्बे सेंट्रल। रेडी स्टेडी गो बोला जाएगा, ठीक है? और कोई चीटिंग करेगा तो तू कुछ नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगी क्योंकि जज मैं हूँ। एक मिनट, लेकिन देखो मैं फर्स्ट आ गया तो फिर से करना पड़ेगा क्योंकि मुझको सेकंड आने का है ना। गट्टू अब मारूंगी। हाँ शांति रखो, हम लोग आपस में तय कर लेते हैं बस। देखो एक मिनट, चैताली तू फर्स्ट आना, मैं सेकंड आऊंगा, और मेहुल तू थर्ड आना, और सिमरन तू लास्ट आना। चलो गट्टू जीतेगा। अरे तू उसे रेडी स्टडी गो बोल जा। रेडी स्टडी गो। एक मिनट, ओ बेबी मेरी वाली लाइन देखो, वो टेढ़ी मेढ़ी है, ये रंगोली पोंछनी पड़ेगी। सब सेम है, आप समझ ही नहीं हो गड्डुआ का। हाँ, जिस तरह ये प्रैक्टिस कर रहा है जिंदगी भर नहीं जीतेगा। हे भगवान, मेरे गट्टू का क्या होगा? क्या करूं मैं समूहे टोस्टर का, वो चालू हो जाओ ए, फ्रिज में पड़े पड़े ठंडा हो गया है परजाई। मैं इसे 2 मिनट गैस पर रख दूं? कुछ भी बोलेगी, क्या करूं, एकदम ठंडा है परजाई। तू छोड़ ना ये टोस्ट सैंडविच, देख हम लोग सादा सैंडविच खा लेते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं जी, सरफरोशी की तमन्ना एक बार जग गई ना तो मैं उसे दबा नहीं सकती। तुझे जो भी करना है जल्दी कर। ओ जी, ओ चालू हो गया है, चालू हो गया। कंग्रेचुलेशंस। इसको खा रहा तो हो जाए। नॉर्मल रहना, नॉर्मल। नॉर्मल बिहेव करने को कह रही हूँ, प्लीज। गुड़िया, डिंपल के पापा और सारे बच्चे भूख भूख करते हुए आ रहे होंगे, चल जल्दी जल्दी हाथ चला। हाँ मैं तो सोचती हूँ पंजाबी पराठे भी बनाऊं जी। हाँ अरे वो छोड़ो। ठीक है जी, वो नहीं करूंगी। बेलन छोड़ने की बात आई तो ये कितना खुश हो गई। अरे मैंने कहा वो सब अभी 5 मिनट के लिए छोड़ो, और बच्चों और गट्टू के लिए मसाला दूध बनाओ। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जरा दूध पियेंगे तो एनर्जी आ जाएगी। अरे हाँ गुड़िया, गट्टू के लिए एक बार वो एक ओमकार वाली तेरी प्रार्थना कर दे। क्यों बा, क्या हुआ? अरे गट्टू कब से प्रैक्टिस कर रहा है और सबसे हार रहा है। चैताली जान बूझ कर स्लो चलती है और दूसरे बच्चों को ऐसे पांव अड़ाकर गिरा देती है ताकि गट्टू जीत जाए, लेकिन गट्टू हार ही जाता है और फिर सबसे झगड़ता रहता है। अब इससे ज्यादा कोई क्या करे। बा, मैंने गट्टू भाई के लिए पास वाले माता जी के मंदिर में मन्नत मांगी है। हाँ? हाँ। आप प्लीज मेरी और गट्टू भाई की तरफ से वहां जाकर एक नारियल चढ़ा आएंगे प्लीज। हाँ बाद में चढ़ा दूंगी। ओ जी, बाद में क्यों, अब भी क्यों नहीं?
वो देखिए जी, और 7:30 बजे हैं अभी। आप वहाँ जाकर थोड़ी देर और बैठेंगी तो 8 बजे की आरती में भी शामिल हो सकती हैं। हाँ जी, माता जी ज्यादा देर तक आपकी बात सुनेंगी। हाँ और फिर आप आराम से 8:30-9 बजे तक घर वापस आना, तब तक खाना भी बन चुका होगा जी। हाँ तो मुझे फुटा रही है, मैं मसाला दूध बना के लेकर आती हूँ। रुक लीला, तुम दोनों मुझे फुटा रहे हो। हाँ ये जो टोस्टर मालिए पे पड़ा परसों से धूल खा रहा है ना, इसे साफ करके बाहर से ब्रेड मंगा के इसमें मसाले भर के टोस्ट सैंडविच बनाने वाले हैं, इसलिए आपको फुटा रहे हैं ताकि आपकी गैर मौजूदगी में मजे ले लेकर सैंडविच खाएं। पागल है ये, कुछ भी बोलती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।